अभी हमने ये ले लिया 80 रुपए में। अब बताओ कैसा लग रहा है? ये देखो प्रदीप को पहनने नहीं दे रहा है ना यार। प्रदीप तो सो गया उधर। जगह यार तू भाई। जगह यार ये तो। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अभी हम है हरिद्वार में। यहाँ से हम जाएंगे गंगा नदी, यहाँ पे नहाएंगे हम। फिलहाल अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि पेट है मेरा पूरा खाली। कल वहाँ से आकर जो है पूरा उल्टी किया, देन उसके बाद हम जाकर सो गया। सोने के बाद जो है अभी उठा के कपड़ा उपड़ा धोया, देन फिर नहाया हम। फिर उसके बाद हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर अभी हम चावल खाएंगे, फुल प्लेट 50 रुपया। और पूरी कितना बोला? परौठा, परौठा 40 40 वाला है। 40 का दो और 2 सब्जी रहेगा इधर। तो भाई ये है चावल, दाल और एक छोले। अभी हम मकरावाहिनी गंगा देवी मंदिर के पास है और यहाँ पर जो है प्रसाद दिया जा रहा है। अच्छा भैया, यहाँ पर क्या प्रसाद डेली मिलता है या फिर आज ही मिल रहा है? डेली मिल रहा है। डेली मिल रहा है, मिल रहा है। जिसको इच्छा है बाकी मंदिर की ओर से डेली मिल रहा है। अच्छा, कौन से न्यूज से हो आप? हम न्यूज से नहीं है। ओके 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 जी। तो यहाँ पर ना डेली मिलता है प्रसाद। तो गाइस अभी हम ऊपर से नीचे आ गए हैं घाट पे और पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा है यार। पानी का स्पीड काफ़ी है। अभी हम लोग जाएंगे हर की पौड़ी। यहाँ से शायद मेरे ख्याल से ऐसा वाला 2 पार करना पड़ेगा। एक से मैंने पूछा तो वही बताया। बाकी इधर पानी का जो स्पीड है ना, करेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। जिसको पूजा वूजा कराना है इधर करा सकते हो, और जिसका मन्नत है चूल कटाने का वो भी इधर कटा सकते हैं। देखो इधर चारों तरफ जो है सब लोग नहा रहे हैं। बाकी इधर जिसको भी पानी ले जाना हो वो डब्बा खरीद कर जो है लेके जा सकते हो पानी। बाकी ये सब घाट है, इस रस्सी से जो है पकड़ के आप नहा सकते हो। घाट जो है ना काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग वो जाएंगे, वो वाला ब्रिज पार करेंगे, देन उसके बाद एक और है वैसा वाला। 2 ब्रिज पार करने के बाद आएगा हर की पौड़ी। और बाकी इधर में काफ़ी लोग है यार, घाट पूरा भरा पड़ा है। वो जितना भी है ना, लॉज है, होटल है, देन उसके बाद में आश्रम है। पानी ठंडा एकदम है, एकदम से ठंडा है। नहा के वो भाई नहा के मज़ा आएगा यार, सच में मज़ा आएगा। एक तो पाँव धरा है, ओ दूसरा वाला भी धर लिया। पानी में करेंट पूरा है, बहुत ज़्यादा करेंट। अब आप लोग को थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग घाट के सामने जा रहे हैं। तो जितने हम लोग सामने जाएंगे उतना आप लोग को भीड़ देखने को मिलेगा। देखो अभी एकदम घाट का अंदर अंदर जा रहे हैं हम लोग, संभल के जाना पड़ेगा। पानी का करंट देखो काफ़ी ज़्यादा है। और वो जो घड़ी दिख रहा है ना सामने, वहाँ पे है मेन हर की पौड़ी। तो गाइस यही लास्ट है एंड इसके बाद इधर आप लोग नहा सकते हो। देन इधर तो कहीं नहाने का व्यवस्था ही नहीं है। फिर अभी वो वहाँ पर जो वो घड़ी दिख रहा है ना, वही मेन है। बाकी इधर बहुत सारे आप लोगों को सामान देखने को मिल जाएगा अगर आप खरीदना चाहते हो। माला हो गया, रुद्राक्ष हो गया, देन इधर तोता वाला होता है ना, तोता वाला भी कहाँ लिए। वाह अच्छा लग रहा है देखकर। बाकी इधर बच्चे के खिलौने ना, ये शिवलिंग है। देन प्रदीप लेगा क्या भाई? हाँ भाई एक ले दो, लेना का मन है, कर रहा है। तो ले लो, कोई अच्छा अगर लग रहा है तो ले लो। ये वाला मैंने ले लिया है और अभी हमने लिया नहीं, टेस्ट कर रहा है अभी। टेस्ट कर रहा है और मैंने तो इसको सिलेक्शन कर लिया। मेरा ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पता नहीं, बड़ा लग रहा है ना, नहीं लूँगा। प्रदीप बोल रहा है कि साइकिल चाहिए। हमने इतना बड़ा साइकिल क्यों लेके आया ये बताओ तो पहले। छोटा वाला इधर मिल रहा है तो छोटा वाला लेके क्या करेंगे? कितने करके है भैया? 100 रुपये से ले लो, कोई सा भी ले लो 100 रुपया। अरे भाई इधर तो 100 रुपया में सेल लगा हुआ है। तो अभी हमने ये ले लिया 80 रुपये में। अब बताओ कैसा लग रहा है? ये देखो प्रदीप को पहनने नहीं दे रहा है यार। तो अपन आ गए मेन लोकेशन जो हर की पौड़ी है। देखो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, बहुत। प्रदीप भाई, हाँ भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना? हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। सामने आप लोगों को घर ही दिख रहा है बड़ा वाला और चारों तरफ जो है पूरा आदमी है चारों तरफ। अभी हम एकदम घाट के बीचों बीच है
और यहाँ से जो व्यू है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रदीप क्या हो रहा है? बहुत भीड़ है यार इधर, कहाँ ना आएगा सोच नहीं पा रहा हूँ यार। हम लोग उधर ही ना आएंगे, उधर ही ना आना पड़ेगा, इधर तो बहुत लोग मतलब इधर ना बहुत ज़्यादा भीड़ है और अपना पास में सामान वामान भी है, तो हम लोग अच्छे से नहाएंगे दिन के वीडियो वगैरह भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा और अंदर जाऊँ क्या? ये पूरा हर का पौड़ी यही है ना मेन, तो यही है हर का पौड़ी और सबसे अभी ऊपर वाले ब्रिज पे है। एंड इधर का आप लोग व्यू देख सकते हो, बहुत सारे भक्त जो है आए हुए यहाँ पर स्नान करने के लिए। अच्छा भैया ये मंदिर कहाँ है? मंदिर जहाँ पूजा होता है हमने प्रभु, अच्छा यही होता है ना, तो यहीं पर जो है पूजा होता है स्नान करके श्री गंगा मंदिर। तो गाइस अभी हम नहाएंगे गंगा नदी में और काफ़ी मज़ा आएगा। प्रदीप तो पहले नहा लिया, अभी हम नहाएंगे, आ जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानी बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है भाई। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम जीतू है। जीतू, तो भाई ने हम लोग का काफ़ी हेल्प करा, हमने बोला कि भाई वीडियो भी बना दो हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी का धार इतना है कि पूरा कान सुन कर दिया, हमने नहा लिया लेकिन कान जो है ना पूरा सुन कर दिया हमारा। गाइस हमने नहा लिया, प्रदीप भी नहा लिया और हमारा कान जो है ना पूरा सुन हो चुका है। और अभी मौसम देखो काफ़ी ख़राब कर दिया है मौसम। और अपने साथ अभी मिल चुका है प्रकाश भैया जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं एंड ये है उनका छोटा भाई, तो इन्होंने हमारा बहुत हेल्प करा बिकॉज हमारा फोटो वोटो क्लिक किए दैन वीडियो भी बनाए। छोटा बाबू इधर भी है, इधर भी है। मेरा क्या हुआ था ना, चश्मा ना उधर छूट गया था, देन कैसे बोल रहे हैं भैया चश्मा ले लो, तब घूम लिया पूरा, नहा लिया बढ़िया से। तो भाई मौसम पूरा चेंज हो गई यार, बारिश आने वाला है। अपने शरीर में हरी पत्ता भाई आगे नहीं जा पा रहे। तो जैसे ही हमने नहा के निकले पूरा आंधी तूफान आ गया भाई। तो आप लोग भी नहा लिए? हां जी भाई, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काफी अच्छा लगा ना नहाकर? अरे बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर। आप कह ना बारिश हुई है, ऋषिकेश में बारिश होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कहां से हो भाई आप? हम गुड़गांव है, 426 गुड़गांव से। तो गाइस अब हम यहां से निकल दिए हैं, बड़ा ही जोर से बारिश आ गया था, कान इतना जोर से ठंडा कांप रहा था ना, क्या बताऊँ, मतलब दर्द कर रहा था कान में, दोनों ऐसे करा। देन अब हम निकल चुके हैं अपने रूम की तरफ, जाएंगे देन वीडियो रिलीज करेंगे उसके बाद सो जाएंगे। अभी हम लंच करेंगे और हमारा खाना सही से नहीं हो रहा है, तो हमने रोटी चार देगा एंड ये इतना चावल, फिर सब्जी दाल अचार और हमने दही भी बोला है देने को। हाय हाय, तो भाई लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मौसम का नाम सुनते ही भाई स्माइल आ गया फेस में भाई का। तो अभी अपन खाएंगे फटाफट से। लंच करके हम लोग आ गए भैया का दुकान पे, क्या है चौरसिया मोबाइल शॉप। तो अपना प्रदीप भाई ले रहा है पावर बैंक, क्योंकि ऊपर जाने से मतलब मेरा मोबाइल को चार्ज होना पड़ेगा ना, और इसी से हम लोग वीडियो फोटो वगैरह करेंगे। और हम लोग का रसन भाई के पास दो 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 200 mAh का, 200 का नहीं मेरे पास 20,000 mAh के दो है, एक तो मैंने मुरादाबाद में लिया और एक मेरे पास पहले से था। तो अभी ये प्रदीप भाई का है, यूबन कंपनी का है। भैया बोल रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है, रिस्क नहीं है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो ऊपर से नीचे आते समय रिटर्न कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भैया। तो गाइस अभी हम आ गए अपने रूम में और अभी हम सोएंगे, देन थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम बाकी है तो वो करेंगे, उसके बाद सोएंगे, आज मस्त से सोएंगे। प्रदीप तो सो गया उधर, जगा यार तू भाई। जगा यार ये तो, इसको मैंने बोला इससे बंद कर दो, हाँ हो गया बंद। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से सोएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ खास अच्छा ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।